दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे शिबा INU के बारे में, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो प्राइस है, हाई एंड लो, हाई एंड लो की तरह से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, उसके बाद में हाई बना रही है, उसके बाद में लो बना रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वन टाइम यहाँ से इसने लो बनाया, ये इसका हाई था, यहाँ पर लो बनाया, वापस हाई, वापस ये इसने लो यहाँ पे बनाया नहीं, वापस इसके हाई को इसने वापस ये हाई ऑल इससे इसको तोड़ नहीं पाया, इसके बाद में वापस इसने इसका लो बनाया। ठीक है, वापस ये हाई बनाया, वापस अब क्या होगा, लगभग इसका लो होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं शिबा के INU के बारे में, किस तरह से मार्केट रन होगा, किस तरह से मार्केट ऊपर नीचे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि भाई साहब क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। अदरवाइज़ आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। अगर शिबा INU की बात करते हैं तो इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो इनका जो लिस्टेड होना था वो अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो पाया, यानी कि जो इनका लिस्ट होना बाकी था, कोई न्यूज़ थी, वो अभी तक कोई कंफर्म यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अभी इनका जो शिबा सिप shibaswap.com यानी कि कोई वेबसाइट है, इनका स्टार्ट हुआ, जो एक NFT प्रोग्राम यहाँ पर रिसीव करता है और NFT प्रोग्राम यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक कोई भी किसी भी तरह की न्यूज़ यहाँ पे अभी तक नहीं है। 6 तारीख को जो ये पंप हुआ था, ये लगभग यहाँ पे कोइनबेस ने एक अनाउंसमेंट किया था कि ऑफिशियल सिप इज नाउ अवेलेबल ट्रेड बाय सेल एंड स्टोर कोइनबेस। तो यहाँ पे इसलिए 6 तारीख को थोड़ा सा पंप हुआ था, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये मैंने चेक किया, 4 को यहाँ पर था, 5 को और 6 को इस जगह। ठीक है, यहाँ से 6 तारीख को इन्होंने मतलब सिप ट्रेड के लिए अवेलेबल था, तो यहाँ से वापस पंप हुआ। ठीक है, 5 तारीख को यहाँ से पंप हुआ था और इसने हाई, इसका ओल्ड टाइम यहाँ पे वापस, जो ओल्ड टाइम नहीं मतलब के जो इसका हायर लो था, इसका यहाँ पे लो बनाया था और यहाँ पे वापस इसका अभी तक कोई भी वापस अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको देखते हुए इसको अगर देखते हैं तो आने वाले दिनों में क्या होगा कोई पता नहीं है, परंतु वही बात दोहराऊंगा कि एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अभी इनकी बात करेंगे इनके होल्डर्स की, तो होल्डर्स पे काफ़ी हद तक डेली के 10,000 होल्डर्स इनके यहाँ पे बढ़ रहे हैं, समथिंग 9.5 लाख होल्डर यहाँ पे हो चुके हैं, जो ऑल टाइम सबसे ज़्यादा लगभग लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 24 घंटे की बात करते हैं तो ये सब चल रहा है। और अगर बात करते हैं तो अगर इस तरह से अगर प्राइस चलती है, अगर इस तरह से यहाँ पे मार्केट चलता है, तो अगर यहाँ पे इसने इसका लो बनाया, वापस वही बात बता रहा हूँ, यहाँ पे हाई, यहाँ पे वापस इसका लो, और लो तोड़ने में यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ, तो वापस इसने इसको हाई को तोड़ने में भी कभी कंफर्म यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑल टाइम लो हो गया, ऑल टाइम मतलब के ये हाई का लो हो गया और वापस ये हाई हो गया, और यहाँ से मार्केट अगर इसका लो ये वाला तोड़ता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा ये वाला होगा 0.00034 के आसपास, और अगर यहाँ से पंप भी करता है, अगर इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो वापस मार्केट 0.00075 के आसपास जा सकता है या फिर 0.00063 के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखते हुए तो मार्केट इसको वापस लोअर हाई को तोड़ते हुए यहाँ पे आने की संभावना है। तो थैंक यू सो मच, अगर यहाँ पे कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट पंप करने का ज़्यादा चांस रहेगा, और अगर न्यूज़ नहीं आती है तो ऑल टाइम ये वापस इसका जो लोअर लो और लोअर हाई ये सब करते हुए वापस थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल को, और
थैंक यू। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।